नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। केरल में हाल ही में एक फेस्टिवल मनाया गया जिसका नाम है कालियाट्टम। इसके अलावा हमने और भी जो फेस्टिवल इंडिया में मनाए जाते हैं उनको कवर किया है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कालियाट्टम थेय्यम फेस्टिवल्स के बारे में देखेंगे कि ये फेस्टिवल्स होते क्या हैं, क्या इनकी सिग्निफिकेंस है। आर्ट एंड कल्चर में जैसे आप जानते हैं कि एक टॉपिक रहता है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, तो उसमें हम एक एक करके सारे फेस्टिवल्स को कवर कर रहे हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, कालियाट्टम जो फेस्टिवल है ये एक एनुअल यानी साल में एक बार मनाया जाने वाला थेय्यम फेस्टिवल है और ये कहाँ मनाया जाता है? केरल में जो मालाबार रीजन है वहां पे टेंपल्स में, मंदिरों में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। थेय्यम फेस्टिवल क्या है इसको हम आगे विस्तार से देखेंगे। अगर हम केरल के मालाबार रीजन की भी बात करें तो उस रीजन में भी जो नॉर्थन मालाबार है वहां पे थेय्यम जो है वो मुख्यतः परफॉर्म किया जाता है। नॉर्थन मालाबार जहाँ पे प्रेजेंट डे कन्नूर, कसारगोड, वेदाकरा, कोयलांडी तालुक्स ऑफ कोझिकोड और मनंथावडी तालुक ऑफ वायनाड, घबराइए मत, ये डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है जो सारे मिलकर नॉर्दर्न मालाबार रीजन को बनाते हैं, आपको याद रखना जरूरी नहीं है। देखिए, जब हम थेय्यम फेस्टिवल की बात करते हैं तो ये ग्रैंड डांस फेस्टिवल है जो कि केरल के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाता है। ग्रैंड बहुत बड़ा, डांस यानी कि नाचना गाना इसमें होता है। कैसे परफॉर्म किया जाता है अब हम देखेंगे आगे। थेय्यम कंसिस्ट ऑफ 1000 ईयर ओल्ड रिचुअल्स, हजारों सालों के जो रिचुअल्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो कस्टम्स हैं, इन सारों को पुनर्जीवित किया जाता है इस फेस्टिवल के माध्यम से, थेय्यम फेस्टिवल के माध्यम से। जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ये फेस्टिवल होता है वहां पर लोगों का ये मानना है कि थेय्यम जो है ये एक चैनल है टू अ गॉड, भगवान तक पहुंचने का ये एक रास्ता है और इसकी मदद से हम जो है वो ब्लेसिंग्स लेते हैं भगवान की। तो पूरे केरल की अगर हम बात करें तो थेय्यम 456 डिफरेंट वैरायटीज के होते हैं। जैसे मैंने कालियाट्टम की बात करी तो ये सिर्फ एक तरीके का थेय्यम फेस्टिवल है, ऐसे 456 अलग अलग वैरायटीज के थेय्यम फेस्टिवल आपको देखने को मिलते हैं और इसमें मैक्सिमम जो थेय्यम है ये मेल्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। सिर्फ एक थेय्यम फेस्टिवल है जहाँ पे फीमेल्स परफॉर्म करती हैं, उसको कहते हैं देवाकूथु थेय्यम। अब अगर कोई केरल से देख रहा हो तो मेरे को माफ कीजिएगा अगर मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत कह रहा हूँ, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ तो मेरी प्रोनाउंसिएशन वैसी ही होगी। तो देवाकूथु अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ तो प्लीज मेरे को करेक्ट करें कमेंट बॉक्स में, एंड आई एम वेरी सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो। तो जो मेल, बाकी जो थेय्यम है वो सारे मेल्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, एक जो फीमेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है वो है देवाकूथु थेय्यम फेस्टिवल और ये आपको मिलेगा कुलोम टेम्पल में। तो ये एक मंदिर है, इस मंदिर में आपको ये थेय्यम देखने को मिलता है जहां पे महिलाएं परफॉर्म करती हैं और ये एक ही है जहां पे महिलाएं परफॉर्म करती हैं। इसके अलावा जितने भी बाकी थेय्यम फेस्टिवल की वैरायटीज है वहां पे सारों में पुरुषों के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द विलेज श्राइन, तो मंदिर की जो श्राइन है उसके सामने इसको परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा इसे जो एंसेस्ट्रल होम्स हैं, कईयों के जो पुराने जो घर होते हैं वहां पर भी इसको परफॉर्म किया जाता है एज एन इलेबोरेट रिचुअल्स एंड राइट्स। तो या तो ये मंदिर के श्राइन्स में आपको देखने को मिलेगा या कुछ लोग अपने एंसेस्ट्रल जो घर हैं, जो होम्स हैं, वहां पर भी इसको परफॉर्म करते हैं। अब ये जो परफॉर्मेंस है इसमें आपको कोई स्टेज, कोई कर्टन देखने को नहीं मिलता, कोई ऐसा इस प्रकार का कोई भी सेटअप आपको देखने को नहीं मिलता। जो डिवोटीज हैं या तो वो कहीं पे सामने ही यहाँ पे कहीं पे वो जैसे बैठे होंगे या खड़े होंगे, किसी ना किसी जो सैक्रेड ट्री है। अब इंडिया में आपको पता है जैसे कई मंदिरों में आपको सैक्रेड ट्री देखने को मिलते हैं जहाँ पे इस ट्री में आप कई बार धागा भी वगैरह भी वो लगाते हैं उसमें, है ना, जो भी आप अलग अलग रिचुअल्स मनाए जाते हैं। तो उस सैक्रेड ट्री के बगल में ही या तो आपको डिवोटीज खड़े मिलेंगे या बैठे मिलेंगे, कोई कुर्सी टेबल या ऐसा कोई स्टेज वगैरह इसमें नहीं होता है। अब एक मंदिर में मान लीजिए जैसे अगर तीन चार, मान लो चार अगर भगवान उपस्थित है, चार डाइटीज हैं, तो उनकी पूजा जो होगी वो हिरार्की के ऊपर होगी, जो बड़ा देवता माना जाएगा उसके पहले होगी, फिर दूसरे की, ऐसे ऐसे करके हिरार्की और जो सिग्निफिकेंस है उस हिसाब से उनके लिए जो परफॉर्मेंस है वो की जाएगी। और ये जो फेस्टिवल है ये 12 से 14 घंटे के इंटरवल में होता रहता है, यानी कि पूरा ये 7-8 दिनों तक चलता है, तो 12-14 घंटे के इंटरवल्स में आपको ये देखने को मिलता है। इस परफॉर्मेंस में आपको डांसर मिलेंगे, जिनके साथ आपको ड्रमर्स मिलेंगे, फिर कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो
जो रिचुअल जो गाना है उस पर्टिकुलर डीटी के लिए जो गाना होगा वो रिसाइट करेगा, रिचुअल सॉन्ग जो होगा है ना, जैसे कुछ स्पेसिफिक भगवान के लिए जो गाने हैं वो गाए जाएंगे। उसके अलावा वो क्या करेगा, वो जो स्टोरीज हैं उस भगवान से रिलेटेड, उस डीटी से रिलेटेड, उन स्टोरीज को नरेट करेगा जो भी फोक डीटी उस टाइम पे उस परफॉर्मेंस में जिसको वर्शिप किया जा रहा है। और इसके पीछे जो आपको फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजते देखेंगे, तो ये सारा एक सेटअप होता है जहाँ पे आपको ड्रमर और गाने गाने वाले और डांसर, ठीक है, फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था थैयम फेस्टिवल का एनालिसिस। केरल के नॉर्थन मालाबार में मनाया जाता है। 456 तरीके के थैयम होते हैं, जिसमें से एक जो है वो महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, बाकी सारे पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। एक ग्रैंड डांस फेस्टिवल होता है और डाइटी को खुश करने के लिए इसमें डांस किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और ऐसे जीके वीडियोज़ के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।